दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। नंबर वन, वो लोग जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। नंबर टू, वो लोग जो दुनिया की डर से अपना फैसला बदल देते हैं। जो लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, उनके सामने चाहे हजारों प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, कभी हार नहीं मानते। और जो लोग दुनिया की डर से अपना फैसला बदल देते हैं, उनके सामने चाहे प्रॉब्लम ना भी हो, फिर भी वो लोगों के सामने प्रॉब्लम दिखाई देती है। चाहे उनके सामने आगे बढ़ने के लिए हजारों रास्ते हो, फिर भी उनको रास्ते नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनको आगे बढ़ने से पहले प्रॉब्लम दिखाई देती है। चाहे प्रॉब्लम ना भी हो, फिर भी प्रॉब्लम ही दिखाई देती है, क्योंकि उनकी सोच में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपकी रास्तों में नहीं, आपकी सोच में होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी भी आपको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना है, आपको चैलेंज समझकर प्रॉब्लम की सामना करना है। अगर आप एक बार चैलेंज पूरा कर लिया ना, तो फिर आपके अंदर इतनी जोश आ जाएगा ना, फिर आपके सामने कितने भी प्रॉब्लम आ जाए ना, आप हंसते हंसते उसको पूरा कर पाओगे। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? आप आगे बढ़ने से पहले ही सोच लेते हो कि आगे रास्ते नहीं है। आप एक बार सोचो, अगर आगे कदम नहीं बढ़ाओगी तो फिर आपको रास्ते कैसे मिलेगा? आप एक बार आगे बढ़कर तो देखो, आपको रास्ते मिलता है कि नहीं? आपको लगता है कि आगे रास्ते नहीं है, तो फिर आप मुझे एक बात बताओ, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हैं, वो लोग कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं? क्या वो लोग जन्म से सक्सेसफुल थे? नहीं, सभी को इसी रास्ते से चलना पड़ता है। सभी को अपनी ज़िंदगी में चैलेंज का सामना करना पड़ता है। आप अपनी प्रॉब्लम से जितनी दूर भागोगी, वो इतनी बड़ी होती जाएगी। आप उससे भागने की बजाय उसका सामना करो, उससे ही जड़ से ख़त्म कर दो, सारी झंझट ख़त्म। आप ज़रूर कर पाओगे मेरे दोस्त, है हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और चैलेंज जितनी बड़ी होती है, उससे पूरा करने में इतना ही मज़ा आता है। मुश्किल हमेशा वही चीज़ लगती है जिससे हम अनजान होते हैं। एक बार करने से हर चीज़ हमें आसान लगता है।